मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अब तक टोटल हमारे 54 लेक्चर्स मॉडर्न हिस्ट्री के कवर हो चुके हैं, डिक्लाइन ऑफ मुगल से लेकर के लाइफ इन 18th एंड मिड 19th सेंचुरी तक के। आज हम 1857 ऑनवर्ड्स जो एक नेक्स्ट सेगमेंट हमें उठाना था मॉडर्न हिस्ट्री का, उसे उठाएंगे। इसकी बिगनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे जो रिएक्शंस आते हैं 1757 से लेके 1857 तक। जो भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ रहीं, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, चाहे पॉलिटिकल, चाहे सोशल कल्चरल, उनके अगेंस्ट जो अब रिएक्शंस आने शुरू होंगे, उन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, जिसे हम प्रोटेस्ट अगेंस्ट एलियन रूल के तौर पे देखते हैं, या आप इसे प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल भी कह सकते हैं। इसमें हम अलग तरह के रिवॉल्ट, अपराइजिंग, रिबेलियंस सब कुछ स्टडी करेंगे, जिसमें आपको पॉपुलर रिवॉल्ट्स देखने को मिलेंगे, पीजेंट रिवॉल्ट्स देखने को मिलेंगे और ट्राइबल रिवॉल्ट्स देखने को मिलेंगे। हम मेजॉरली जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई हैं उन्हें तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबकी ग्राउंड अलग अलग हैं, उन्हें अब हम वन बाय वन समझते हैं। आज हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। हम आज पैका रिबेलियन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कट्टा बोमन रिवॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, वीर पांड्या के बारे में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा 73rd इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15th ऑफ अगस्त को। ऐसे में उन हीरोज़ के बारे में जानना जिनको ये क्रेडिट दिया जा सकता है कि 1857 की फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसा कि कहा गया सावरकर के द्वारा, उसके पहले वो जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस आप कहते हैं, उसके पहले का होमवर्क कैसे बना, कैसे ग्राउंड प्रिपेयर होती है, ऐसे कौन से हीरोज़ हैं जिन्हें दुनिया जान नहीं पाई, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हिस्ट्री को कंटेम्प्रेरी तौर पे लेके चलें तो आज की डेट में नॉर्थ और साउथ, ये जो इंडिया के दो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, इनके बीच में कल्चरल असिमिलिएशन, साउथ की वो जो एक ड्यू जगह बनती है किताबों के अंदर, उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। साउथ की हिस्ट्री को जैसा कहा जाता है कि इग्नोर किया गया, उसका एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्स। ये सारी चीज़ों को देख करके चले तो ऐसे बहुत से हीरोज़, ऐसे बहुत सी मूवमेंट्स हमारी कंट्री में हुई हैं जो इस इंडिपेंडेंस डे के पहले जानना ज़रूरी बनता था, लेकिन कोइंसिडेंटली हम हिस्ट्री कर रहे हैं और उसमें ये सेगमेंट अब आया है, तो ये उस हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कई सारे तरह की नए पोस्टेज स्टैम्प्स लेके आती हैं, कई तरह के नए इनके बेंचेस, नए म्यूज़ियम्स, मेमोरियल्स, स्टैचूज अनवेल किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें इन्हें करेंट सिनेरियो से जोड़ देती हैं और इन्हीं को हम आज समझेंगे। किट्टूर अपराइजिंग आप पढ़ेंगे, चेन्नम्मा के बारे में पढ़ेंगे, द ब्रेव वुमेन ऑफ कर्नाटका, बहुत इम्पॉर्टेंट वो अपराइजिंग है। आप कच्छ रिवॉल्ट या फिर रिबेलियन के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। इसी तरह से हम वेलू थम्पी द लावा के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन्स हैं ये, बहुत ही हीरोइक डीड्स हैं इनकी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को और ईस्ट इंडिया कंपनी के उस पेनिट्रेशन को रोकने का बहुत अर्ली पीरियड में ही काम कर दिया था। और ठीक इन रिवॉल्ट्स के 100 साल के बाद जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल कंसोलिडेट होगी, उसकी ग्राउंड वर्क कहीं ना कहीं यहीं से प्रिपेयर हो चुकी थी, तो इन्हें समझना ज़रूरी है। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में जब भी आप कोई सेगमेंट में एंटर होते हैं, थोड़ी सी चीज़ें क्रैम करनी पड़ती हैं, थोड़े नाम होते हैं, उन्हें लर्न करना पड़ता है। अगर आप इन्हें सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से लर्न करेंगे कि इनसे MCQs कितने सॉल्व होते हैं, तो नेचुरली वो आपको प्रेशराइज करेंगी चीज़ें। लेकिन अगर आप इन्हें इस तरह से समझना चाहेंगे कि वीर पांड्या कट्टा बोमन कौन थे, अगर उनका रोल आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि थ्रू आउट द लाइफ आपको उनका नेम इस वे में याद करना पड़ेगा कि वो किस रीजन से बिलोंग करते थे, कहाँ पर उनके द्वारा रिबेल किए गए थे। क्वेश्चन इस तरह के चाहे आते हों, आपको मैच द कॉलम करना हो कि वो तमिलनाडु के रीजन से बिलोंग करते थे, किस तरह के पॉलीगार मूवमेंट्स हैं ये, पॉलीगार कौन हुआ करते थे, लेकिन अगर आपने इन्हें कनेक्टिविटी से पढ़ा है, अगर आप इन्हें अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ के देखते हैं, अगर आप इन्हें इस तरह से देखते हैं कि हिस्ट्री में वो हीरोज़ जो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गए, उन्हें किस तरह से उनकी ड्यू रिस्पेक्ट और डिग्निटी और प्रेस्टीज दी जाए, जो कि प्रेस्टीज एंड डिग्निटी के लिए ही अपनी लाइफ को स्टेक पे लगा करके चले गए, तो फिर आपको कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो थोड़ा अप्रोच हमारा उसी सेंस में रहेगा कि आपको सारी बैकग्राउंड्स क्लियर हों, ताकि आपको चीज़ें रटनी ना पड़े। रटने के बाद आप थोड़े दिनों में भूल जाएंगे। सो द थिंग इज़, हमारे 2-3 लेक्चर हिस्ट्री के प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एलियन रूल पे ही रहने वाले हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट हैं काफ़ी सारे, लेकिन ये प्रोटेस्ट अगर आपको क्लियर हो जाएंगे
आप जनरल स्टडीज़ का मेंस का क्वेश्चन, आप प्रीलिम्स के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, इंटरव्यू और एसे राइटिंग को बहुत अच्छे से टारगेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको ओवरऑल एक सिनेरियो पता लग जाएगा, क्योंकि ऑल इन ऑल सभी मूवमेंट्स जो हैं उनके ग्राउंड्स जो हैं वो 10 से 15 वही कॉमन ग्राउंड्स रहेंगे। एग्जीक्यूशन सबका अलग है लेकिन ग्राउंड्स कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, तो वो आपको आगे आकर के 1857 का रिवॉल्ट और फ्रीडम मूवमेंट समझने में ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। वो फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ और सिर्फ एक फिर औपचारिकता रह जाएगी कि आपको ग्राउंड सारे पहले से ही क्लियर होंगे। ओके, सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट एलियन, या फिर आप कह सकते हैं ब्रिटिश रूल। देखिए दो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। सबसे इम्पॉर्टेंट 1757 की बैटल ऑफ प्लासी में आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स को एक एज मिली कि नवाब इनकी मर्जी से अपॉइंट होने शुरू हो गए थे। तो बैटल ऑफ प्लासी ने बंगाल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फुट होल्ड दिला दिया था ब्रिटिशर्स को, और यही बैटल ऑफ प्लासी कारण बनी जो भारत में बाद में आकर के अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित हुई। लेकिन इस बैटल ऑफ प्लासी के द्वारा शुरू की गए उस राजनीतिक सफ़र पे जिसने ब्रिटिशर्स को मास्टर बना दिया इंडिया का, उस राजनीतिक सफ़र पे मोहर लगाने का काम किया बैटल ऑफ बक्सर ने। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। इन दो बैटल्स की वजह से ब्रिटिशर्स को कई तरह की भारत में अथॉरिटीज़ मिली जो इम्पॉर्टेंट हैं, और इसी की वजह से आपको ये रिवेलियंस, ये रिवॉल्ट देखने को मिलेंगे। जो बैटल ऑफ बक्सर है, इसके बाद जो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन हुआ, वो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद ने सीधा सीधा ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की ये दीवानी का मतलब उस समय में ये था कि आपके पास रेवेन्यू कलेक्शन के साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स भी आ चुके थे। जब आपके पास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स आए, उसके अकॉर्डिंग आपने एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की, और वो जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश थी उसमें आपने जुडिशियल सिस्टम को रीवैम्प करने की कोशिश की, पुलिस सिस्टम को रीऑर्गेनाइज़ किया गया आपके द्वारा, आपने रेवेन्यू सिस्टम को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज़ कर दिया। और ये पुलिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम, इसने बहुत ही प्रोफाउंड इम्पैक्ट डाला उस समय की, चाहे वो पीजेंट सोसाइटी है, चाहे ट्राइबल सोसाइटी है, चाहे उस समय के विलेज हेडमैन्स, ज़मींदार्स, या फिर डायरेक्टली जो रूलर्स हुआ करते थे इनके ऊपर। तो तीन अलग सेगमेंट्स के ऊपर तीन तरह के इम्पैक्ट आपको देखने को मिले। उन इम्पैक्ट्स के द्वारा जो इम्पैक्ट हुए हैं उसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट, और इस इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट का ही नतीजा था कि आपके सामने उस समय में पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स निकल करके आई। तो सीधे सीधे अगर आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करेंगे, जिसमें कई तरह के इम्पैक्ट आएंगे वो मैं आपको समझा दूंगा, इसका जो प्रोटेस्ट आया वो आया मेनली पीजेंट सोसाइटी की तरफ से और ट्राइबल रिवॉल्ट, ये आपको नज़र आते हैं इसके रिस्पांस में। और इसके बाद जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है उसके रिस्पांस में आपको रिवॉल्ट नज़र आते हैं उन लोगों के जो डिपोज्ड रूलर्स, यानी कि तीन तरह के सेगमेंट्स यहाँ पर पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बदले में रिवॉल्ट करते नज़र आएंगे, जिन्हें हम पॉपुलर रिवॉल्ट कहते हैं। और ये पॉपुलर रिवॉल्ट करने वाले सेगमेंट में अलग अलग सेगमेंट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो वो रूलर्स जो डायरेक्टली रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, मुगल्स के चले जाने के बाद, यानी कि मुगल्स के बाद जो उनके सक्सेसर स्टेट्स थे, वो सक्सेसर स्टेट्स के जो रूलर्स हैं उन रूलर्स को उतारा गया गद्दी से, अनेक्स किया गया उनको, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तरीके से या फिर सब्सिडरी अलायंस के तरीके से धीरे धीरे ख़त्म किया गया या आउटराइट एनेक्सेशन किया गया उनका। तो सीधा सीधा यहाँ पर वो रूलर हैं जो डायरेक्टली रूल कर रहे थे और उन्हें डिपोज किया गया, यानी कि डिपोज्ड रूलर्स। उसके बाद बहुत बड़ा सेगमेंट था जिन रूलर्स पे डिपेंड किया करता था, जो इनके ज़मींदार हुआ करते थे, विलेज हेडमैन हुआ करते थे, जिनके पास रेवेन्यू कलेक्शन की पावर्स हुआ करती थी, जिन्हें स्पेशल स्टेटस मिले हुआ करते थे, तो डिपेंडेंट ऑफ द डिपोज्ड रूलर्स, उनके द्वारा भी ये रिवॉल्ट होते हैं डिपेंडेंट्स। और वो कॉमनर्स जो इनके साथ अपनी एक अफिनिटी रखते थे, चाहे ये डिपेंडेंट्स ऑफ द
डिपोज रूलर हैं, चाहे ये खुद से डायरेक्टली डिपोज रूलर्स हैं, उन कॉमनर्स ने इनके प्रति जो उनकी सॉलिडेरिटी थी उस सॉलिडेरिटी की वजह से भी रिवॉल्ट किए, तो दैट इज़ काइंड ऑफ कॉमनर्स का रिवॉल्ट, कॉमनर्स मूवमेंट इन सॉलिडेरिटी टू द डिपोज रूलर और द डिपेंडेंट्स ऑन द डिपोज रूलर्स। इन तीन तरह के सेगमेंट्स को आप फील्ड में देखेंगे और इन तीन तरह के सेगमेंट्स के द्वारा फील्ड में जो किया जाएगा वो पॉपुलर रिवॉल्ट कहलाएगा और ये मोस्टली पॉलिटिकल इम्पैक्ट की वजह से लिखने को मिलेगा। आज के हमारे टारगेट में ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट और उसके द्वारा किए जा रहे उसके रिस्पॉन्स में आ रहे ये पॉपुलर रिवॉल्ट की स्टडी हम करेंगे, जिसमें हमारा मेजर फोकस डिपोज रूलर के द्वारा किए गए रिवॉल्ट्स के ऊपर होगा, डिपोज रूलर और उनके ऊपर डिपेंड करने वाले। तो ये मेन टारगेट आज हमारा रहेगा, जिनमें हम कई तरह की मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे डिटेल में। इन्हें आने वाले दिनों में हम टच करेंगे, पीजेंट एंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन्हीं के माध्यम से। मुझे लगता है टॉपिक इस्टेब्लिश हो चुका है, तो अब हम स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए इसे भी डिलीट कर सकते हैं, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट एलियन रूल। क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपको रिकॉल कराऊँ हमारे वो सारे 54 लेक्चर्स और उन 54 लेक्चर्स को अगर मैं समेटूँ अभी 2 मिनट्स के अंदर, तो क्या निकल करके आता है? सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट जो पॉलिटिकल फील्ड में डाला है, वो डालने का काम किया है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ने। तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। क्या क्या निकल करके आया है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के माध्यम से, जिसके बेसिस पर आपको पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो फील हुआ ब्रिटिश रूल का और जिसके रिस्पॉन्स में पॉपुलर रिवॉल्ट निकल करके आता है, वो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो आप रेजिडेंट को सेटल करते थे, तो रेजिडेंट को दरबार में सेटल कर देना। किसके दरबार में? जो शासक है उसके दरबार में अंग्रेज़ों का एक नुमाइंदा बैठा देना। ये रेजिडेंट के द्वारा अनड्यू इंटरफेरेंस किया जाता था। तो कुल मिलाकर के रेजिडेंट का सेटल होना ही एक तरह का सॉवरेनिटी पे अटैक है। सो रेजिडेंट्स प्रेजेंस एज अ सॉवरेनिटी अटैक, ये बड़ी बात थी। और सेकंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट अनड्यू इंटरफेरेंस, इसके द्वारा अंदरूनी मामलों में इंटरफेरेंस किया जाता था। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के नाम पर ये जो मेन रूलर हुआ करता था उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और मेन रूलर को कई तरह की कमांड्स पास किया करता था और बॉम्बे मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ संबंध स्थापित करके रूलर की एक्टिविटी को ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम करता था। ये इंटरफेरेंस मानी जाती थी अंदरूनी मामलों में, जबकि सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी के तहत ये गारंटी प्रोवाइड की जाती थी कि आपके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें एक क्लॉज ये रहा करता था कि लॉ एंड ऑर्डर ऑर्गेनाइज बेटर वे में किया जा सके ये रेजिडेंट देखेगा। अब ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर रेजिडेंट रिकमेंडेशंस करता था प्रेजिडेंसी में गवर्नर्स को, और गवर्नर्स के द्वारा अनड्यू हेस्ट एटीट्यूड के साथ इंटरफेरेंस कर दी जाती थी, क्योंकि गंतव्य ये होता था कि किस तरह से लोकल शासक को यहाँ से ख़त्म किया जा सके। सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इसी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के तहत आता था एक्सपेंसेस ऑफ द आर्मी, यानी कि आपको अपने बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ करार किया जाता था सब्सिडरी अलायंस का, और उनके तहत आपको आर्मी सपोर्ट लेनी पड़ती थी ब्रिटिशर्स की, और वो आर्मी आपके बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती थी। कहा यह जाता था कि इससे आपके बॉर्डर्स स्टेबल होंगे और आप बेटर वे में ग्रो कर पाएंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश कर पाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। लेकिन बेसिक पर्पस ब्रिटिशर्स का ये होता था कि इन बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पर जो आर्मी हम रखवा रहे हैं उसका खर्चा हम इन लोकल रूलर से लेंगे, लेकिन आर्मी वो एक्चुअली में हमारी होगी। इससे हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल इंटरेस्ट के तौर पर हम यहाँ पर वेंचर कर रहे हैं वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, और हमें जो पॉलिटिकल अथॉरिटी यहाँ पर जमानी है अपने लिए बेटर इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव करने के लिए, वो पॉलिटिकल अथॉरिटी भी हमारी यहाँ पर सेटल होगी, क्योंकि आर्मी हमारे अधीन होगी, खर्चा लोकल शासक देगा, और इस तरह से हम कर्ब कर पाएंगे वो लोकल रूलर की सॉवरेनिटी को भी। कल को वो अपनी मर्जी से अगर पॉलिसीज़ बनाता है अपने लोकल ट्रेडर को, अपने मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर को, कमर्शियल सेगमेंट को किसी तरह के बेनिफिट हमें डिसएडवांटेज पर रख के अगर देना चाहेगा, तो हम अपनी आर्मी पावर को मैनोवर करके उसको कई तरह के अग्रीमेंट के ग्राउंड पर लेकर के आ सकेंगे। ये सारे कारण रहे जिसकी वजह से आर्मी डिप्लॉय की जाती थी, और जो स्टेट सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करता था उसे उस आर्मी के एक्सपेंडिचर्स पे करने पड़ते थे।
ये बहुत ही हैवी एक्सपेंडिचर्स होते थे। शुरुआत में हुआ ये करता था कि आर्मी ब्रिटिशर्स की ले करके उसे खर्चा दे दिया जाता था। समय आगे बढ़ गया, ब्रिटिशर्स ने परमानेंटली आर्मी डिप्लॉय कर दी, उसके बदले में ब्रिटिशर्स ही आर्मी को सैलरी देती थी, लेकिन जो रूलर होता था वो ब्रिटिशर्स को सब्सिडी दिया करता था, मतलब पैसा दिया करता था। समय आगे बढ़ा, इतनी हैवी सब्सिडीज़, इतनी हैवी सैलरी के अमाउंट हो गए कि ब्रिटिशर्स के द्वारा रूलर को ये कहा गया कि आप कैपेबल ही नहीं हैं टाइम पर पे करने के लिए, आप अपनी टेरिटरी में हमें एक लैंड, एक एरिया कार्व आउट कर दीजिए, जिससे हम वो जो रेवेन्यू हार्नेस होगा उसके बेसिस पर हम आर्मी की सैलरीज पे कर लेंगे। इस तरह से सॉवरेनिटी के अंदर एक सॉवरेन क्रिएट हो गया, रूलर वहीं बैठा है लेकिन उसकी टेरिटरी के अंदर एक नई टेरिटरी कार्व आउट कर दी गई आर्मी को सैलरी देने के नाम पर, और उस टेरिटरी में रेवेन्यू कलेक्शन राइट अपने ऊपर ले ली अंग्रेज़ों ने, और उसके तहत जो लोकल ज़मींदार थे, जो तालुकदार थे, जो विलेज हेडमैन थे, धीरे धीरे उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करते चले गए, और इस तरह से वो लोग भी नदारद हो गए, मतलब वो सेगमेंट जो डिपेंडेंट है डिपोज रूलर पे, वो भी नाराज़ होता चला गया। इसके मल्टी प्रॉन्ग्ड इम्पैक्ट आपको नजर आएंगे। अभी आप ये समझिए कि एक्सपेंसेस ऑफ द आर्मी ने बड़े लेवल पर तंग किया, आई बात समझ में। उसके सबसे अगला इम्पॉर्टेंट खर्चा, एक्सपेंसेस ऑफ द रेजिडेंट रेजिडेंसी एंड इट्स पुलिस। अब ये जो रेजिडेंसी थी, ये जो रेजिडेंट था, इसका भी सारा खर्चा उठाना था उसी रूलर को। ये बहुत ही लेविश वे में रहा करता था, पैरेलल कोर्ट बना लेता था ये अपना, यानी कि शासक का दरबार है उसके कंटेम्प्रेरी, ये अपना एक साइमल्टेनियस कोर्ट चलाता था, इतना सोवरेन हो गया था ये। और इसकी मेंटेनेंस के लिए इसकी एक पुलिस होगी जिसके ऊपर शासक की कोई दबिश नहीं होगी, मतलब ये पुलिस अपने आप में चलेगी, पूरी तरह से ऑटोनोमस बिहेव करेगी, और इसका खर्चा भी पे करना है शासक को। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर को भी इनक्रोच कर रही थी रूलर को, उसकी जितनी भी संप्रभुता थी, सॉवरेनिटी थी, उसको भी इनक्रोच कर रही थी, उसकी जो फाइनेंशियल पावर थी उसे भी इनक्रोच कर रही थी, और धीरे 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 उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ रहा था, अनड्यू वॉर्स की जा रही थी, आर्मी का खर्चा उससे लिया जा रहा था, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि उसके जितने भी विदेशी संबंध हैं सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के तहत, वो ब्रिटिशर्स के हाथों चले जाते थे। वो किसी पड़ोसी मुल्क के साथ युद्ध नहीं छेड़ सकता अपनी मर्जी से, किसी के साथ शांति वार्ता यानी कि पीस डिस्कशन नहीं कर सकता, किसी भी तरह के फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर सकता। युद्ध हो गया है तो आर्बिट्रेशन का रोल यानी कि बीच में मध्यस्थता करेंगे अंग्रेज, युद्ध छेड़ने की यानी कि वार प्रोक्लेम करने की और युद्ध को पीस प्रोक्लेम करने की दोनों ताकतें अंग्रेजों के पास हैं। इस तरह से पूरी तरह से रूलर को उसी के एरिया तक बांध लिया गया ताकि वो एक यूनिफाइड फ्रंट ना क्रिएट कर ले ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और सबसे नुकसानदायक ये कदम होता था जिसकी वजह से रूलर परेशान हो गया कि उनकी टेरिटरी में कोई और यूरोपियन कंपनी को काम करने की अनुमति नहीं थी, और कोई भी अदर यूरोपियन पावर के द्वारा अपनी मिलिट्री को अब इंडियन रूलर ट्रेंड नहीं करा सकते थे। इसकी वजह से उनकी जो मिलिट्री कॉम्पिटेंस था वो भी एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स लूज़ होने लगा, और सेकेंड जो उनके ट्रेडर एंड बिजनेसमैन को, उनके प्रोड्यूसर को एक कॉम्पिटिटिव कोर प्राइजिंग के तहत बेनिफिट मिलते थे, क्योंकि यूरोपियन राइवल्स के बीच में कंपटीशन होता था तो बेटर प्राइसेस देते थे कोई भी प्रोडक्ट प्रोक्योर करने के, वो कॉम्पिटिटिव एज अप प्राइजिंग का चला गया, और पूरी तरह से यूरोपियन परचेजर की मर्सी के ऊपर ट्रेडर आ गया, प्रोड्यूसर आ गया, इसकी तरफ से इकोनॉमिक लॉस भी होने लगे। ये एक बहुत नुकसान का एस्पेक्ट था। तो कुल मिलाकर के इस तरह से सब्सिडरी अलायंस ने एक बड़े लेवल पर परेशान किया उन लोगों को जो भारत में एक राजनीतिक सत्ता बना करके बैठे थे, जिस समय में मुगलों का डिक्लाइन चल रहा था, रीजनल स्टेट्स बन रहे थे और ब्रिटिशर्स का इंटरवेंशन हो रहा था। ये सारी चीज़ें हैं, इधर से वो एडवेंट कर रहे हैं, रीजनल स्टेट्स अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं, एमरजेंस कर रहे हैं, और मुगल डिक्लाइन के फेज में चल रहे हैं। अगला इम्पैक्ट जो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखा जाता है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये काफ़ी लंबे समय पहले शुरुआत कर दी गई थी, और लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत में रहे, और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही इसे ऑफिशियलाइज किया गया, मतलब इसका जो एक पूरा फ्रेमवर्क प्रॉपर प्रिपेयर किया गया और इसे कैटेगोरिकली लागू कर दिया गया पूरे भारत के ऊपर। लॉर्ड डलहौजी के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लागू हुई, इसने बहुत सारे राज्यों को रातों रात ख़त्म कर दिया, अनेक्स कर लिया। ग्राउंड ये दी जाती थी कि जो इतना पुराना कल्चरल मैनर चलता आ रहा था इंडिया में, कस्टम चलता आ रहा था, कि अगर आपका कोई लेजिटिमेट हेयर, आपका नेचुरल बॉर्न संतान नहीं है,
तो आप दत्तक पुत्र ले सकते हैं, आप एडॉप्टेंट सन ले सकते हैं और उसे अपनी गद्दी दे सकते हैं, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये नहीं हो सकता था। अगर तो रूलर कैपेबल नहीं है, अनसाउंड माइंड का हो चुका है, तो भी उसका राज्य अनेक्स किया जा सकता है, और अगर तो वो किसी दत्तक पुत्र के माध्यम से अपने राज्य को चलाना चाहता है, मतलब उसके पास उसकी खुद की जन्मी संतान नहीं है और उसकी मृत्यु हो गई है, तो एडॉप्टेड सन को आगे ये लेगेसी नहीं मिलेगी, वो नहीं चला पाएगा इस राजपाट को। महल के तहत जो पिता के अधिकार हैं उनको निर्वाह करेगा, लेकिन राज्य स्टेट को हैंडल करने की ताकत, पॉलिटिकल पावर उसके पास नहीं रहेगी। ये मोस्टली उन स्टेट्स पे लागू होता था जो स्टेट्स ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंदर थे, डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंदर थे, और उन स्टेट्स पे लागू होता था जो ब्रिटिशर्स की सब्सिडरी थे। जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उन पे ये लागू नहीं होता था, पर इन दो स्टेट्स पे लागू होता था। इसके माध्यम से बहुत सारे, चाहे संबलपुर था, चाहे सतारा था, चाहे झांसी था, चाहे आगे आने वाले दिनों में माल एडमिनिस्ट्रेशन का नाम देकर के अवध भी इसी के तहत लिया गया, ये सभी स्टेट्स आप वन बाय वन अनेक्स करते चले गए, और 1848 से लेकर के 1857 तक बड़े सारे राज्य डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से आपके अधीन आ गए, और यही कारण था कि 1857 में म्यूटिनी भी देखने को मिली, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का ही एक नतीजा दिख रहा था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से ये हुआ गया। फोर्सफुल एविक्शन ऑफ ज़मींदार्स या अदर लैंड होल्डर्स। देखिए, ज़मींदारी कानून लेकर के आया बंगाल में, और जिसको आपने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कहा, इसके तहत आपने परमानेंटली रेवेन्यू तो फिक्स कर लिया, लेकिन रेवेन्यू आपने बहुत ही बढ़ा करके फिक्स किया, ताकि आने वाले समय में अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते हैं तो भी आपको कोई इकोनॉमिक लॉस ना हो। ऐसे में ज़मींदार शुरुआती कई सालों, शुरुआती 10 से 12 सालों के तहत इतने एग्जॉर्बिटेंट टैक्स रेट को पे नहीं कर पाए, तो क्लॉज ये हुआ करता था कि आपकी ज़मींदारी किसी कन्फिस्केट करके बिड कर दी जाएगी, बोली लगवा दी जाएगी, आपसे ले ली जाएगी। इसके तहत बहुत सारे जो हेरिडिटरी ज़मींदार थे उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। बहुत सारे तालुकदार थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। बड़ी सारी विलेज हेडमैन की पोजीशंस थी, बड़े सारे हेरिडिटरी रेवेन्यू कलेक्टर थे, उनको फोर्सफुली एविक्ट कर दिया गया। ये एक नुकसान हमें दिखा पॉलिटिकल फील्ड में। तो फोर्सफुल एविक्शन ऑफ ज़मींदार, इनके तहत नाराज़गी थी। आपने अवध के केस में अवध के तालुकदारों को देखा है, उनके द्वारा 1857 के रिवॉल्ट में जो पार्टिसिपेशन किया गया वो कारण ही यह था कि अवध में जो रेजिडेंसी के द्वारा एक अपना साइमल्टेनियसली दरबार चलाया जा रहा था, उसके तहत उन्होंने नए बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई कर लिए थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, और हेरिडिटरी तालुकदारों को वो अधिकार नहीं रहने दिए थे। इसकी वजह से वो तालुकदार उस समय विद्रोह में शामिल हुए। बाद में अंग्रेज़ों ने अपनी गलती को सुधारा और तालुकदारों को भी वापस से ऑन बोर्ड लेकर के आए और चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया। तो ये एक सेगमेंट है जो इस तरह से काम कर रहा था। आउटराइट अनेक्सेशंस, आप जानते हैं किस तरह से अनेक्सेशन सिंध का किया गया, आप जानते हैं कैसे पंजाब का अनेक्सेशन किया गया, अफगान को किस तरह से बीट किया गया, कैसे म्यांमार बर्मा का अनेक्सेशन किया गया। ये वो स्टेट्स थे जिनको ज़बरदस्त वे में आपने आउटराइट अनेक्स कर लिया, शायद उसमें में आपको कारण भी नहीं नज़र आ रहे थे, ना ये आपने उस लेवल पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कवर किए, ना ये आपने उस लेवल पर सब्सिडरी अलायंस में। आपका मुद्दा था इन्हें अनेक्स करना, कॉन्केस्ट करना, इसी के तहत आपने कभी इनके ऊपर सब्सिडरी अलायंस लागू कराई और कभी आपने इनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कवर करने का प्रयास किया। मुद्दा था कि आप इन्हें किस तरह से अनेक्स कर सकते हैं, और उसका सीधा नमूना दिखा बाद में जाकर के, कई तरह के रिवॉल्ट और अपराइजिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो वो ये है कि आपकी आउटराइट अनेक्सेशन की पॉलिसी जो आपने अपनाई, जो कि उस समय में मॉरली डिग्रेडेड वर्जन माना जाता था पॉलिटिक्स का, क्योंकि जब नीड ही नहीं थी आपका समर्थन किया जा रहा था। इंडिपेंडेंट स्टेट्स की इंटरनल पॉलिटिक्स जो कि आपके अंडर कवर ही नहीं होते, ना वो आपके सब्सिडरी रह चुके हैं कभी, और ना किसी तरह से आपके उन्होंने कोई भी अग्रीमेंट इस तरह का साइन किया है कि आपकी कोई पैरामाउंसी उनके ऊपर हो या वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, फिर भी आपने जा करके वहाँ पर इंटरवीन किया अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, चाहे वो कभी फ्रांस के नेपोलियन से, चाहे फिर वो कभी रशिया से, चाहे फिर वो कभी ईस्ट में म्यांमार से, चाहे फिर आने वाले समय में जापान से, ईस्ट में और अमेरिका से। ये सारे आपके वेस्टेड इंटरेस्ट थे जिसकी वजह से आपने इंडिपेंडेंट लैंड होल्डर्स के ऊपर जा करके अपनी इंटरवेंशंस की, इन्वेजन्स की और उनको कॉन्केस्ट किया। तो ये भी एक, इसका भी उपद्रव, इसका भी विद्रोह निकल करके आया, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था। तो कुल मिलाकर के ये सभी कारण, जिसमें आपके लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम में बहुत ही अनड्यू लैंड रेवेन्यू चार्ज किया जा रहा है,
ज़मींदारों को और बाकी लैंड होल्डर्स को उनके हेरिडिटरी और पैतृक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। सब्सिडी अलायंस सिस्टम के तहत रेजिडेंट की हर तरह की मनमानियाँ, सेना की हर तरह की मनमानियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कब्जा लेना, ये सभी कारण बने तकरीबन, और कई तरह के पॉपुलर रिवोल्ट आपको देखने को मिले। उन पॉपुलर रिवोल्ट्स की अगर कैटेगरी की हम बात करें तो सबसे पहले उभर करके मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कट्टाबोमन रिवोल्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट और उसे हम डिस्कस करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, अगर मैं कट्टाबोमन रिवोल्ट की बात करता हूँ तो 1799 एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है। 1799 में यह घटना हुई तो 200 साल इसको कब पूरे होंगे जल्दी बताओ। 1999, वेरी गुड। तो 200 साल यानी कि बाईसेंटेनरी जब ही उनका दिवस मनाया गया, उस समय में पोस्टेज स्टैंप चालू की गई उस समय में, और ये इसी को कमेमोरेट करने के लिए थी, कट्टाबोमन रिबेलियन को। कट्टाबोमन रिबेलियन क्या है, आइए समझते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, मैं आपको एक मैप बना करके चीज़ें समझाता हूँ। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो दिस रीजन, दैट पर्टिकुलर मद्रास प्रेसिडेंसी जो काफ़ी सारे एरियाज़ को कवर कर लेती थी, केरला भी कवर करती थी, तमिलनाडु भी कवर करती थी, आंध्र प्रदेश भी कवर करती थी, तेलंगाना का भी काफ़ी हिस्सा कवर करती थी, जो आज की डेट में हम मॉडर्न स्टेट के तौर पर जानते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु के इलाके की, इस रीजन में आपको कट्टाबोमन रिवॉल्ट देखने को मिलेगा। तो आपसे को पूछे कि भाई किस एरिया में हुआ है, तो तमिलनाडु में हुआ था, मॉडर्न तमिलनाडु। क्लियर है जी। अब जब हम बात करते हैं कट्टाबोमन की, तो बात किसकी होगी, तो बात है वीर पांड्या। द पर्सन नेम इज वीर पांड्या। इस नेम से इनका पोस्टेज स्टैंप लागू हुआ था। देखिए, जो कट्टाबोमन किस वजह से फेमस है, एक वर्ड आएगा पॉलीगार। पॉलीगार क्या हुआ करते थे, देखिए, एक समय था जब विजयनगर किंगडम हुआ करती थी। आप सभी को मैंने विजयनगर किंगडम बहुत डिटेल में पढ़ाई है, और विजयनगर किंगडम 1336 हरिहर एंड बुक्का के द्वारा स्थापित की गई। विजयनगर किंगडम के अंदर कई डायनेस्टीज आईं, सुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी, नायकास। जब नायकास का समय हुआ करता था ना, उस टाइम पर एक सेगमेंट हुआ करता था वॉरियर्स का, और उन वॉरियर सेगमेंट्स को टेरिटरीज हैंडओवर की जाती थी। वो उन टेरिटरीज में दोनों पर्पस फॉलो करते थे, मिलिट्री पर्पस भी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वो मिलिट्री ऑफिसर भी थे, वहाँ के मिलिट्री इंचार्ज भी थे, और वह एज अ गवर्नर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर भी कार्य करते थे। उन फ्यूडल लॉर्ड्स को ही, उन लैंडेड जेंट्रीज को ही हम पॉलीगार कहते हैं। आई बात समझ में, पॉलीगार क्लियर हो गए कौन है। साउथ इंडिया में वो पर्सन जो विजयनगर किंगडम में नायका डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा अपनी मिलिट्री कम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस को हैंडल करने के लिए, जैसे कि मनसबदारी भी मिलिट्री कम एडमिनिस्ट्रेटिव थी ना अकबर की, तो मिलिट्री कम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस विद टेरिटोरियल राइट्स, वो जो लोग जो फ्यूडल लॉर्ड के तौर पर जाने गए, सामंत शासक के तौर पर जाने गए, वही पॉलीगार कहलाते हैं। आई बात समझ में। अब जब हम बात कर रहे हैं इस मॉडर्न इंडिया के समय की, 1799 के समय की, पॉलीगार के अधीन होता है पलयम। पलयम, पलयम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो ये लैंड यूनिट, जमीन का ये यूनिट पलयम के ये ओवरलॉर्ड होते हैं, और ये जमीन का यूनिट अपने आप में ही कई गांवों का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं। आई बात समझ में। अब
इसी की वजह से, क्योंकि ये पलयम होल्ड करते हैं और पलयम इन्हें रूलर से मिला है एक करार के तहत, तो इसी की वजह से इन्हें पलयक करार भी कहते हैं। आपको पलयक करार भी वर्ड मिलेगा। इसको इस तरह से बोलना है, पलयक करार्स, पलयम होल्ड करने वाले पलयक करार्स, मने पलयक करार्स मने द पलयक गार्स, पली गार्स, पॉलीगार वर्ड पलयक करार से आया, क्लियर हो गया। तो पॉलीगार इज अ काइंड ऑफ पलयक करार, और पलयक करार मने द होल्डर ऑफ द पलयम। पलयम इज अ ग्रुप ऑफ विलेजेस विद द मिलिट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, द गवर्नर राइट। सो बेसिकली दे आर लैंडेड जेंट्री, दे आर बेसिकली फ्यूडल लॉर्ड्स, और कब से एग्जिस्टेंस में आए हैं, ड्यूरिंग द विजयनगर किंगडम, तब से ही अपने अधिकारों के साथ चल रहे हैं। और इनको प्रॉपर ताकत थी रेवेन्यू कलेक्शन करने की अपने पलयम के अंडर, ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट ताकत हुआ करती थी। अब इस रीजन की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली रीजन कार्नेटिक कहलाता है। कार्नेटिक की वार्स भी मैंने आपको पढ़ाई। अब इस कार्नेटिक रीजन में एक पर्टिकुलर एरिया आर्कॉट के राजा के पास है। आर्कॉट के राजा को हम नवाब ऑफ कार्नेटिक्स भी कहते थे ना, नवाब ऑफ कार्नेटिक, जो कभी ब्रिटिशर्स के साथ आए, कभी फ्रांसीसियों के साथ, और ब्रिटिश एंड फ्रांसीसियों ने दोनों ने नवाब की पोजीशन पर बैठाने के लिए दो मेंबर्स को चुन के काउंटर किया एक दूसरे को। तो नवाब ऑफ कार्नेटिक्स, और राजधानी उनकी रही आर्कॉट। आर्कॉट की गद्दी वो लेना चाहते थे सबको ही, तो आर्कॉट को अपने अधीन करने का अलग अलग समय में कोई ना कोई प्रयास तो चलता रहा था। और फाइनली मैंने आपको ये बताया था कि 1801 में कार्नेटिक के नवाबों को अपने अधीन ले लिया गया था प्रॉपर सब्सिडरी अलायंस के माध्यम से, और फिर वो ख़त्म कर दिए गए थे 1801 में, जब लॉर्ड वेलेसली भारत में एग्जिस्ट कर रहा था, ये हमने पढ़ा था। अब ये जो कार्नेटिक के नवाबों के को 1801 में जब अपने अधीन ब्रिटिशर्स करेंगे, वो करने का कारण ही रहेगा कि पॉलीगार रिबेलियन को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। पॉलीगार रिबेलियन बेसिकली यहाँ पर क्या माना जा रहा है, उसे किस तरह से हम देख सकते हैं, देखिए, ब्रिटिशर्स के द्वारा तमिलनाडु का ये एरिया अपने अधीन ले लिया गया था, मद्रास, पर्टिकुलरली चेन्नई, फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया था किला, और फोर्ट सेंट जॉर्ज के तहत टेरिटरी एक्सपेंड होती चली जा रही थी। इसके तहत उनके राइट्स भी लैंड के ऊपर बढ़ते चले जा रहे थे। अब हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा कार्नेटिक के रूलर को, यानी कि आर्कॉट के रूलर को, बहुत बड़ी रकम समय समय पर दी जाती रही, क्योंकि कार्नेटिक का रूलर तो बेसिकली अपनी पोजीशन को सिक्योर करना चाहता है, और उसकी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए ब्रिटिशर्स उसे आर्मी सपोर्ट लैंड करती थी। वो आर्मी सपोर्ट लैंड करने के बदले में ब्रिटिशर्स कार्नेटिक के नवाब से ही बहुत बड़ा फंड एलोकेट करा लेते थे। वो फंड जो कार्नेटिक के नवाब को पे करना है, वो एक तरह से कार्नेटिक के नवाब की कैपेबिलिटी में तो है ही नहीं, तो वो फंड ब्रिटिशर्स और कार्नेटिक के नवाब से अपनी ही आर्मी को, अपने ही ऑफिसर्स को लैंड करा रहे हैं अपनी ही तरफ से पैसा दे करके। और इस तरह से जब लैंडिंग इतनी एक्सेस हो गई कार्नेटिक के नवाब के ऊपर, तो कार्नेटिक के नवाब से उस लैंडिंग के बदले में, उस पैसे की रिकवरी के बदले में रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स ले लिए गए। आई बात समझ में? तो कार्नेटिक के नवाब को ना चाहते हुए भी रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स को लैंड करना पड़ा, देना पड़ा, वो चाहता नहीं था इस कार्य को। जब रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स ले लिए गए, तो फिर इस बात की टसल शुरू हुई, क्योंकि अब दो कंटेंडर हो गए रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। एक कंटेंडर हो गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक कंटेंडर हो गए वो जो हेरिडिटरी राइट्स लिए हुए पॉलीगार्स। अब पॉलीगार्स और ब्रिटिशर्स के बीच में इस बात का टसल है कि रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा। ब्रिटिशर्स के द्वारा धीरे धीरे सभी पॉलीगार्स को अपने अधीन ले लिया गया, लेकिन एक पॉलीगार हुआ करता था वीर पांड्या कट्टाबोम्मन, जिसने 1792 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसने ब्रिटिशर्स से एक सवाल पूछा
कि तुम किस बिहाफ पर रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मांगते हो। क्या तुमने कोई पौधा लगाया है? क्या तुमने कभी खेतों में हल चलाया है? क्या तुमने ये गांव बसाए हैं? जब तुमने कभी प्लांट नहीं लगाया है, जब तुमने कभी हल नहीं चलाया, प्लॉ नहीं चलाया, और जब तुमने कोई विलेज सेटल ही नहीं किया, तो तुम ड्यू राइट्स कैसे क्लेम करते हो? तुम किस बिहाफ पे रेवेन्यू क्लेम कर रहे हो? व्हाट इज़ द रीज़न? तो अंग्रेज़ों का कहना ये होता था कि भाई अब हम तुम्हारे ओवरलॉर्ड हैं, क्योंकि जो तुम्हारा मेन शासक है, वो शासक जिससे तुम्हें ये एस्टेट्स पैतृक अधिकार पे मिले हैं, वो शासक ने ही हमें अब ये राइट दे दिए हैं, क्योंकि एक तरह से वो हमारी अधीन है, करजाई है, इस बेसिस पे हम तुमसे लेते हैं। तो उनका कहना ये था वीर पांड्या का कि वो शासक जो हुआ करता था, उसको भी ये राइट नहीं डिसाइड होता है कि वो इन एरिया को इनक्रोच करे। उनके साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है समाज का, ये शासक इन्हें प्रोटेक्ट करेगा और रैयत जो है वो पैदावार करेगी, खेती करेगी, और जो एक ड्यू शेयर बनता है वो पे करेगी। बट तुम एग्जॉर्बिटेंटली लूट तो नहीं सकते लोगों को, ऐसा तो कोई करार कभी है ही नहीं। तो उस समय वीर पांड्या कट्टा बोमन का यह कहना था कि ये लैंड मेरी प्रेस्टीज है, मेरा ऑनर है और मेरी डिग्निटी है। मैं अपनी प्रेस्टीज, ऑनर और डिग्निटी को एट एनी कॉस्ट किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तुम्हें जितना जोर लगाना है तुम लगा लो, ये मेरा पलयम तुम्हें नहीं मिलेगा। ब्रिटिशर्स आपको पता है पहले दिन से ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में मास्टर हैं। जिन पॉलीगारों ने, यानी कि जिन रेवेन्यू कलेक्टर्स ने उनके साथ आना मंजूर कर लिया, उन्होंने उनको अपने साथ ले करके उनके साथ अच्छी फेवरेबल ट्रीटी साइन कर ली कि वो लोग प्रेशर क्रिएट करें वीर पांड्या कट्टा बोमन पे भी, कि वीर पांड्या कट्टा बोमन भी अंग्रेजों के सानिध्य में आ जाए। मतलब ब्रिटिशर्स ने ये स्टांस इसलिए लिया कि वो वीर पांड्या कट्टा बोमन से सपोर्ट तुड़वा सके, डिवाइड करा सके, कि वीर पांड्या सपोर्ट मोबिलाइज ना कर पाए अपने फेवर में। इस वजह से जिन लोगों ने विलिंगनेस दिखाई थी कि हम रेवेन्यू कलेक्शन के राइट आपके अधीन रह करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उन लोगों के साथ टर्म्स थोड़ी फेवरेबल साइन कर ली, उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं हुई, और उन लोगों ने वीर पांड्या का साथ देने के बजाय उल्टा उसको मनाना शुरू किया कि आप अंग्रेज़ों के साथ आ जाओ। लेकिन यहाँ पर वीर पांड्या का क्वेश्चन ये था कि बात इस बात की नहीं है कि रेवेन्यू कितना लिया जा रहा है, बात ये नहीं है कि मेरे साथ फेवरेबल टर्म हुई कि नहीं, बात ये है कि ये विधि सम्मत नहीं है, ये लेजिटिमाइज आस्पेक्ट नहीं है। जब उनका कोई राइट ही नहीं बनता इस लैंड पे, तो मैं अपनी प्रेस्टीज, अपना ऑनर, अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ करके, मेरे फार्मर अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ करके उनके प्रति क्यों जाएं? कार्नेटिक के नवाब के साथ हमारे एक पुराने बॉन्ड थे, हमारा सिस्टम था, और हमारे इन राइट्स को हमेशा किसी भी आने वाले रूलर ने अनटच रखा, लाइक कार्नेटिक नवाब। लेकिन ये लोग हमारे उन राइट्स को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये नहीं हो सकता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई तरह के ब्रिटिशर्स के द्वारा मैसेजेस भेजे गए कट्टा बोमन को, लेकिन कट्टा बोमन ने किसी भी मैसेज को एड्रेस नहीं किया, उल्टा बहुत ही फियर्स वे में रिप्लाई भेजे कि आप जो करना चाहते करिए, यही रिप्लाई जो मैंने आपको बताया, ये रिप्लाई उसने उनको भेज दिया। 1792 से 1798 तक ये जद्दोजहद चलती रही और ये लंबे समय तक चली। 1798 में वीर पांड्या कट्टा बोमन ने एक्टिविटी फास्ट कर दी, और 1799 में वीर पांड्या कट्टा बोमन के द्वारा जब 1798 में ये भांप लिया गया था कि हमारी सेनाएं, हमारे एक वेपन्स इतने स्टेल्थ तो नहीं हैं, इतने मॉडर्न नहीं हैं कि वो अंग्रेज़ों से निपट सकते हैं, उन्होंने जंगलों की तरफ पलायन किया। अंग्रेज़ों के द्वारा वो पर्टिकुलर एस्टेट जिसके अधीन वो जंगल फॉल करते थे, जहाँ पे वीर पांड्या छुपे हुए थे, उस रूलर को प्रेशराइज़ किया गया कि आपको वीर पांड्या को अब पकड़ना है अपनी सेना भेज करके, अदरवाइज़ आपको भी वो झेलना पड़ेगा जो वीर पांड्या को झेलना पड़ रहा है। उस रूलर ने ट्रेचरी की है, इतिहास में उसे ट्रेचरस माना जाता है, धोखा किया और वीर पांड्या की खबर दी। वीर पांड्या को पकड़ा गया है और 1799 में वीर पांड्या के ऊपर एक बहुत ही बकवास तरीके का 15 दिन का ट्रायल चला करके, जिसमें उसको किसी तरह से अपना कोई शेयर, कोई अपना एडजुडिकेशन का कोई अदरवाइज राइट नहीं देके, सरेआम जनता के बीच में पब्लिक वे में कैपिटल पनिशमेंट प्रोवाइड की गई, ताकि बाकी लोगों को भी ये संदेश जाए कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जाना क्या होता है। लेकिन वीर पांड्या कट्टा बोमन को ऐसे लेजेंड बताए जाते हैं कि जब उनको लास्ट मोमेंट पे भी ऑफर्स दिए जा रहे थे कि अभी भी आप अपने आप को अधीन कीजिए,
और बैकफुट पे जाइए, चीज़ें अभी ख़त्म कर दी जाएंगी। तो उनका स्टैच्यू बना हुआ है आज की डेट में, जो जो विलेज हुआ करता था जहाँ से वो जाने गए हैं, उस स्टैच्यू को भी वो अपनी हाथों से फंदे को गले की तरफ लाते हुए दिखाए जाएंगे। कि मतलब उन्होंने बाय चॉइस बाय विल इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वो किसी कीमत पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये उनका मदरलैंड है और ये हमेशा फ्री चाहिए, ये इंडिपेंडेंट चाहिए। तो इसलिए बहुत से दक्षिण के इतिहासकार, फिलेंथ्रोपिस्ट, राइटर्स, एक्टिविस्ट ये मानते हैं कि वीर पांड्या कट्टा बोमन वन ऑफ द अर्लीस्ट नहीं, उनका कहना है कि ही इज़ द अर्लीस्ट फ्रीडम फाइटर। उनके द्वारा 1857 के रिवॉल्ट से बहुत पहले ही कट्टा बोमन रिवॉल्ट एक तरह का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पे ऑर्गेनाइज कर लिया गया था, क्योंकि वीर पांड्या का ये कट्टा बोमन रिवॉल्ट जो है ये एक सिंगल पर्सन रिवॉल्ट नहीं था। वीर पांड्या इस रिवॉल्ट में बड़े पैमाने पर खोंड जनजातियाँ जो घुमसूर से उनके पास आई थी, यानी कि कई सारे ट्राइबल्स, कई सारे डिपोज ज़मींदार, कई तरह के विलेज हेडमैन्स और कई तरह के पीजेंट्स और फार्मर्स को अपने साथ लामबंद करने में सफल हो पाए थे। तो ये एक तरह का बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़ा, एक बहुत इसका नेचर बहुत ही वाइड स्प्रेड और एक अच्छा खासा पूरा का पूरा मूवमेंट माना गया है। इस वजह से इसे ये कहा गया कि इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पर देखना चाहिए, ये एक वन मैन शो नहीं था, ये एक कॉमन सेंटीमेंट था एलियन रूल के अगेंस्ट, ये एक तरह का प्रोटेस्ट उभर के आया आउटसाइड पावर के अगेंस्ट कि ये फॉरनर हैं, और ये एक तरह का सेंटीमेंट था कल्चरल अपने मदरलैंड के साथ, ये एक तरह का सेंटीमेंट था अवेकनिंग का कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आपकी एक प्रेस्टीज ऑनर और एक डिग्निटी है। तो इट वाज नॉट अ काइंड ऑफ सिंपल वन मैन रिबेल, ये एक तरह का पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम था, इसे इस वे में माना गया। 1799 में वीर पांड्या कट्टा बोमन के द्वारा जब उन्हें एग्जीक्यूट कर देने के बाद ये मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन गोरिल्ला वारफेयर प्रैक्टिसेस चलती रहती हैं और ये गोरिल्ला वारफेयर प्रैक्टिसेस ही हैं जो अंग्रेज़ों को तंग करती रहती है। फाइनली 1801 के अराउंड कार्नेटिक को अपने साथ अटैच किया अंग्रेज़ों ने, और फिर पॉलीगार का जो सेकेंड फेज़ 1801-2 के अराउंड था उसे क्रश कर दिया गया। तो ये सेकेंड फेज़ यहाँ पर ख़त्म किया गया। उसके बाद पॉलीगार रिवॉल्ट आप पढ़ेंगे 1846 का नरसिम्हा रेड्डी के अंदर, वो मैं आपको आने वाले समय में अभी पढ़ाऊँगा, अभी वीर पांड्या का कट्टा बोमन। तो एवरी ईयर कट्टा बोमन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। वीर पांड्या का लिंक आंध्र प्रदेश से भी है और तमिलनाडु से भी है, ये जितनी भी मैंने घटना बताई ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली मॉडर्न एरिया उनसे बिलोंग करते थे, ये इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। आई बात समझ में? आज की डेट में हमारा नेवी रिसर्च सेंटर INS कट्टा बोमन के तौर पर जाना जाता है, और कट्टा बोमन फेस्टिवल एक मेन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। कई सारी साउथ की मार्शल आर्ट्स इनके द्वारा एग्जीक्यूट की जाती थी उन दिनों में, और जिसे एंशियंट प्रैक्टिसेस को दोबारा रेजुविनेट करने का टैग भी वीर पांड्या कट्टा बोमन पे जाता है। भारत सरकार इनके नाम का स्टैंप जारी कर चुकी है, जब हमने बाईसेंटेनरी प्रोग्राम इनका मनाया 1799 के बाद 1999 के दौरान। आई बात समझ में? अब हम कट्टा बोमन के बाद आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 1857 से पहले भी काफ़ी कुछ हुआ, आप देख पा रहे हैं हिस्ट्री सिर्फ नॉर्थ की नहीं है, हिस्ट्री साउथ की भी है, और ये चीज़ें साउथ में हो रही हैं, वहाँ पर इन चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आवाज़ उठी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक मेन रूलर के तौर पर टीपू सुल्तान ने ही आवाज़ उठाई है। टीपू सुल्तान अपने उस समय के रूलर्स में प्लानिंग में, स्ट्रेटजी में, अवेयरनेस में, टेक्नोलॉजी में फोर रनर माने गए हैं, लेकिन लोकल लेवल पर जा कर के जब हम इन प्रोटेस्ट को ऑब्ज़र्व करते हैं तो प्रोटेस्ट बहुत वाइड स्प्रेड थे। बात अलग है कि नेचर ऐसा था इन प्रोटेस्ट का कि इन्हें कभी भी एक यूनिफाइड फ्रंट दे ही नहीं पाए ये लोग, लेकिन टाइम टाइम पर डिफरेंट एरियाज़ में ड्यू टू डिफरेंट रीजंस एक चीज़ तो कॉमनली निकल करके आई थी, वो थी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एलियन रूल। ये थ्रू आउट द ब्रिटिश हिस्ट्री रहा है, और ब्रिटिशर्स के द्वारा ये कहना कि उन्होंने इंडिया में एक लंबा शासन प्रोवाइड किया है जिसमें उन्होंने इंडियन को ऑर्गेनाइज़ किया है, उन्हें बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस प्रोवाइड की है, इंडिया की ग्रोथ की है, अगर ऐसा होता तो थ्रू आउट 1757 थ्रू आउट 1947 तक, ये 200 साल तक आपको अथाह ट्राइबल पीजेंट और पॉलिटिकल पॉपुलर सिविल रिवॉल्ट
देखने को नहीं मिलते, जो अलग अलग समय पे अलग अलग स्थान पे उत्पन्न होते रहे। आई बात समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं और हम दूसरा रिबेल पढ़ेंगे। ये है वेलु थम्पी दलावा। अब तो वीर पांड्या के बारे में कोई टेंशन नहीं ना, ज्यादा परेशानी भी तो नहीं। वेलु थम्पी दलावा, देखिए वेलु थम्पी दलावा की जब हम बात करें, मैं वापस से वही इंडिया आपके सामने फिर से बनाता हूँ। इंडिया, देखिए ये पर्टिकुलर रीजन जो जिसे आप आज केरला के तौर पर जानते हैं, ये त्रावणकोर के तौर पर जाना जाता था किसी टाइम पर। त्रावणकोर के शासक यहाँ पर हुआ करते थे एक काफ़ी लंबे समय तक। इसका जो नर्दन एरिया है जैसे कोची, उसके ऊपर टीपू सुल्तान हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान का यानी कि मैसूर शासकों का भी अच्छा कंट्रोल रहा। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि त्रावणकोर में अभी जो वेलु थम्पी के द्वारा रिवॉल्ट किया जाएगा, इसकी जड़ें कहीं ना कहीं पीछे हैं। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था, वो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के जीन कहीं ना कहीं बीच 1786-87 से ही टीपू और त्रावणकोर के बीच में जो टसल हुई उसके कारण हुए। और कॉर्नवालिस ने ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी थी। 1790 से 1792 के बीच में जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ, उसका कारण ही ये था कि कॉर्नवालिस के द्वारा ये कहा जाता था कि भाई त्रावणकोर हमारे द्वारा समर्थित राज्य है, हमारा समर्थन उन्हें मिला हुआ है, और टीपू अंड्यू इन्वेजन कर रहे हैं उनके एरिया में, अंड्यू राइट्स अपने कहला रहे हैं जो कि वाजिब नहीं है। ये इस इंटरवेंशन के बदले टू सपोर्ट द त्रावणकोर हम टीपू के ऊपर वॉर को डिक्लेयर करते हैं, ये आपको पता है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि त्रावणकोर की वो सेना जिसे हम नायरों की सेना कहते हैं, ये बहुत पहले ही टीपू की सेना को अपना वर्चस्व दिखा चुकी थी। तो नायर आर्मी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्मी है। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यही नायर हैं जिनको ये कहा गया है कि इंडिया में पहली ऐसी सेना है जिन्होंने कॉलोनियल पावर को डिफीट करने का काम किया, दैट इज़ डच। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट करने का काम इन नायरों ने ही किया था, जिन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए वन बाय वन हम चीज़ों को स्टडी करते हैं। देखिए बलराम राजा यहाँ पर शासक हुआ करते थे त्रावणकोर के, ठीक है। कौन? बलराम राजा के तौर पर यहाँ पर शासक हुआ करते। वेलु थम्पी की ग्रोथ धीरे धीरे हुई है। शुरुआत में ये त्रावणकोर के राजा के अंडर एक एरिया में तहसीलदार हुए। इन्होंने जब जब त्रावणकोर के राजा के दरबार में मीटिंग हुई तहसीलदारों की, इन्होंने हर बार उस मीटिंग में रेवेन्यू सिस्टम की गड़बड़ियों को दर्शाया, रेवेन्यू कलेक्शन में जो करप्शन है उसके बारे में बताया, डाटा कलेक्शन ना करना, क्रॉप्स की असेसमेंट ना करना, उनको स्टैंडर्डाइज ना करना, बार बार इसके बारे में बताया। एक तरह के प्रोटेस्ट करने वाले मेंबर थे, मतलब अपने ही किंग के दरबार में उसी के शासन के दौरान जो जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं अफसरशाही के तहत, वो बताने वालों में ये सबसे आगे थे। राजा को ये बेहद पसंद आ गए कि ये पर्सन कंटिन्यूसली कई सालों से करप्शन के अगेंस्ट बात करता है, ये फाइनेंशियल सिस्टम को रिवैम्प करना चाहता है, ग्रोथ की बात करता है। इन्हें प्रमोट करके फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। तहसीलदार से ये फाइनेंस मिनिस्टर बने, ये दरबार में आ गए। समय आगे बढ़ा, इनकी कारगुजारियों को देखते हुए 1802 में इन्हें प्राइम मिनिस्टर माने दीवान बनाया गया। और प्राइम मिनिस्टर यानी कि दीवान को ही दलावा कहते हैं। मैंने दलावा लिखा है, आप इसे दलावा भी कई बारी किताबों में देखेंगे तो दलावा या दलावा, यहाँ W और A डाला मैंने, यहाँ पे V डाला मैंने, तो दलावा दलावा दलावा, बेसिकली इट इज़ दीवान। तो मतलब क्या है? दीवान मतलब द प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर कहाँ? त्रावणकोर के शासक के अधीन 1802 प्राइम मिनिस्टर बने हैं। देखिए पोजीशन पे इतना ज़बरदस्त राइज हुआ है, इतना इजी राइज तो नहीं हुआ होगा। कई सारे फैक्शंस राज दरबार के अंदर पहले से ही इस पोजीशन को लेकर के तैयार बैठे होंगे कि ये पोजीशन हमें मिलेगी, नज़रें गड़ाई होंगी। तो राइवल फैक्शंस जो कि स्ट्रॉन्ग फैक्शंस थे, उनकी हमेशा इनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज चलती रही। ऐसे में नेचुरली इन्हें दरबार में अपने सपोर्टर चाहिए, समर्थक चाहिए। और त्रावणकोर के शासक के द्वारा पहले ही सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, और उसके तहत यहाँ पर रेजिडेंट हुआ करता था।
इन्होंने अब अपने समर्थन में ये देखा कि सबसे बेहतर समर्थक ब्रिटिश रेजिडेंट ही हो सकता है, एक पावरफुल होल्डर ऑफिस में। इन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ अपनी मित्रता को स्ट्रॉन्ग कर लिया, ये इनकी एक खासियत मानी गई उस समय में। और धीरे धीरे इन्होंने उन सबको ऑस्ट किया, निकाला जो जो इनके विरोधी दरबार में बैठे हुए थे। अपने सभी विरोधियों को ख़त्म किया, एंड करा दिया गया। अब इसके तहत हुआ क्या, 1804-5 के दौरान एक ट्रीटी साइन कराई जाएगी इनके द्वारा ही ब्रिटिशर्स और अंग्रेज़ों के बीच में, और वो ट्रीटी जो होगी वो 1795 की ट्रीटी का ही फिर से दोबारा से एक नया वर्जन होगा, जिसमें शर्तों को नए वे में मेंशन किया जाएगा। क्यों करानी पड़ी 1805 में इन्हें ब्रिटिशर्स और त्रावणकोर के राजा के बीच में ये अग्रीमेंट और ये ट्रीटी, उसकी ग्राउंड यहाँ पर है कि जब इनके द्वारा ऑस्ट किया जा रहा था अलग अलग सेगमेंट को, ऐसे में जो नायर सेना हुआ करती थी वो नायर सेना इनके द्वारा किए जा रहे रिफॉर्म्स से तंग थी। वो रिफॉर्म्स इनके द्वारा जो किए जा रहे थे वो क्या रिफॉर्म्स थे उनको समझिए। वेलुथम्पी बहुत फेमस हैं केरला में रिफॉर्म्स लाने के लिए, और उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म में माना जाता है कि इन्होंने स्कूल सिस्टम दोबारा से रिवाइव किया, स्कूल सिस्टम दोबारा से रिवाइव कर दिया इन्होंने सारा का सारा। तो छोटी छोटी जितनी भी डिफरेंट डिवीजन्स थी जिन्हें कारा कहा गया है डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें स्कूल्स इन्होंने सभी रीओपन कराए, जहाँ पे नहीं थे वहाँ पे बनवाए। इनका मानना था कि एजुकेशन सिस्टम जो है स्ट्रांग होना चाहिए, तभी चीज़ें आगे हो सकती हैं। रेवेन्यू की नॉलेज लोगों को होगी, फार्मर के बच्चे पढ़ने चाहिए, फार्मर को नॉलेज होना चाहिए, असेसमेंट भी बेटर होगा, डाटा कलेक्शन भी होगा, प्रॉपर चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये इन्होंने किया, स्कूल सिस्टम के लिए जाने जाते हैं केरला के अंदर, आई बात समझ में। सेकेंड, जुडिशियल सिस्टम इन्होंने सारा का सारा सेटल कर दिया, जहाँ पे जैसे कारा के अंदर कारा मने द डिवीजन्स में स्कूल सिस्टम सेटल किया, तो जुडिशियल सिस्टम भी सेटल किया। प्रॉपर हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, बातचीत होगी, एविडेंसेस के बेसिस पे काम चलेंगे, एक पूरा सिस्टम जिसे हम कहते हैं जुडिशियल सिस्टम। ऐसा करना ज़रूरी था क्योंकि इनके द्वारा सेंसस स्टार्ट किया गया, सेंसस ऑफ द क्रॉप्स, यानी कि इनके द्वारा पैडी कल्टिवेशन को कई तरह के नए रेवेन्यू कोड बनाए गए, और उनमें से दो रेवेन्यू कोड बहुत फेमस थे उनको लागू किया गया। प्रॉपर क्रॉप्स का डाटा इन्वेंट्री बनाई जाने लगी, ये केरल में पहली बार हुआ, इसे कहा गया है द क्रॉप सेंसस। तो क्रॉप सेंसस सिस्टम लाने वाले ये थे, इसके तहत क्रॉप्स की इन्वेंट्री मेंटेन होती थी, फसलें देखी जाती थी कितनी किस एरिया में हुई हैं, फसलों की ग्रोथ रेट क्या रहती है, पहले क्या हुई बाद में क्या हुई, इस असेसमेंट के बेसिस पे ही रेवेन्यू डिसाइड किया जाता है। तो रेवेन्यू सिस्टम को भी इन्होंने रिफॉर्म कर दिया, रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने रिफॉर्म किया। उसके लिए फिर प्लीज आनी थी, कार्रवाइयाँ होनी थी, क्योंकि आपने टेनेंसी के राइट देने थे, पट्टे इशू करने थे, उसमें वायलेशंस, अग्रीमेंट की शर्तें, कई सारी चीज़ें। जुडिशियल सिस्टम जब तक रॉबस्ट नहीं होगा तब तक आपका रेवेन्यू सिस्टम टेक्निकली वर्क नहीं करेगा, जैसा हमने देखा कॉर्नवालिस के समय में भी जुडिशियल सिस्टम रॉबस्ट करना पड़ा था, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया गया था, तभी करना पड़ा था ना, वही यहाँ पर भी इनके द्वारा भी हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है, इन्होंने खर्चे घटाने का काम किया, दरबारी खर्चे भी घटाए और इन्होंने आर्मी जो थी उनके खर्चे घटा दिए, यानी कि उनकी तनख्वाहें भत्ता घटा दिया। उनकी तनख्वाहें घटा देना, रेवेन्यू सिस्टम फिर से ऑर्गेनाइज करना, स्कूल सिस्टम को रेजुविनेट करना, जुडिशियल सिस्टम को रेजुविनेट करना, क्रॉप सेंसस कलेक्ट करना प्रॉपर, इसके तहत वो जो आर्मी हुआ करती थी वो इनकी पॉलिसी से खुश नहीं थी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। उनका मानना था कि हमारे एमोल्यूमेंट सैलरीज घटाई गई हैं एंड दिस इज़ नॉट ओके। इसके तहत वो ऑर्गेनाइज हुए और जो पर्सन दरबारी फैक्शन से निकाले गए थे, खदेड़े गए थे, आर्मी के साथ आकर के नायर, द नायर ग्रुप के साथ आकर के मिले और उन्होंने वेलुथम्पी को ही खदेड़ने का काम कर दिया। आई बात समझ में, ये क्लियर हुई। वेलुथम्पी को यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की नीड थी इस टाइम ब्रिटिशर्स की, और वेलुथम्पी के द्वारा, ये नायरों के द्वारा जो म्यूटिनी की जा रही है इसको करेक्ट करना जरूरी था। यानी कि वेलुथम्पी दलावा के समय में नायर म्यूटिनी हुई है, यानी कि आर्मी म्यूटिनी हुई है त्रावणकोर के शासन के विरुद्ध, किसके द्वारा, आर्मी के ही द्वारा की गई है। इसके तहत ब्रिटिशर्स का सपोर्ट लेना अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी था। वेलुथम्पी के द्वारा 1805 की वो ट्रीटी साइन ही इसलिए कराई गई
शासक के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में कि बेटर सपोर्ट मैकेनिज्म मिल पाए अंग्रेज़ों के द्वारा वेलुथम्पी को। और अंग्रेज़ों ने वेलुथम्पी को ये कहा, क्योंकि हमने नायर विद्रोह तुम्हारे हक में दबाने का कार्य किया है, इसके लिए तुम्हें हमें ये शर्तों पे ट्रीटी करा के देनी होगी, जिसके तहत नायर मेंबर सेना में बहुत घटा दिए गए इस ट्रीटी के तहत, और सेना में बढ़ोतरी की गई किनकी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की। सेना पहले से बढ़ाई गई है, लेकिन उसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी का कॉम्पोनेंट बढ़ाया गया है, नायर सैनिक घटाए गए हैं, ये पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो रेजिडेंट है उसको अब पहले से ज़्यादा पैसा कमिट कर दिया है रूलर ने, यानी कि जितनी ज़्यादा आर्मी आप बढ़ाएंगे आर्मी का खर्चा आपको कमिट करना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, खर्चा कमिट भी बढ़ा के किया है, मतलब उसका रेट भी बढ़ा दिया है, रेजिडेंसी का खर्चा भी बढ़ गया, सेना का भी खर्चा बढ़ा हुआ है, और सेना अब अपनी वाला प्रपोर्शन बहुत रिड्यूस हुआ हुआ है, सेना अंग्रेज़ों वाला प्रपोर्शन बहुत बढ़ा हुआ है, ये बात समझ में आ गई। तो वेलुथम्पी दलावा के द्वारा ये के बारे में क्रिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि वेलुथम्पी दलावा को अपनी ही मिस्टेक्स का हर्जाना भरना पड़ा है आने वाले समय में, जिसे उसने फिर करेक्ट करना चाहा, वो करेक्ट नहीं हो पाया और फाइनली उसकी जान गई, उसने सुसाइड किया। अब 1805 में जब ये सब होता है ट्रीटी के तहत, वेलुथम्पी प्रेशराइज फील करता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स एब्रप्टली उस बढ़ी हुई मांग को इन मटीरियल रियलाइज़ करना चाहते हैं, और वो बढ़ा हुआ पैसा जो शेयर है ब्रिटिशर्स का मांग रहे हैं। ऐसे में पैसा नहीं है राजघराने में, कोष पे पैसा ट्रेजरी में नहीं है, वेलुथम्पी वो नहीं दे पा रहे, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़बरदस्त आ गया एज ए प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, एग्रीकल्चरल लॉस हो रहा है, यानी कि जो आपने रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम जो किया है वहाँ पर, वो अब सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, उसका फेलियर आया, क्योंकि किसानों में भी एक विरोध देखने को मिल रहा था, क्योंकि वो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम मॉडर्न लाइंस पे तो था, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसानों को स्क्वीज़ कर रहा था, उनको निचोड़ रहा था, ऐसा किसानों के अंदर रीसेंटमेंट उभरने लगा। सैनिक यानी कि नायर जो डिसबैंड किए सारे, उनके अंदर पूरी तरह से रीसेंटमेंट था, ये नाराज़ होंगे, किसान नाराज़ होगा, ज़मींदार जिसको ज़मीन का अधिकार दिया जाता है वो नाराज़ चल रहा है, उसमें अंदर रीसेंटमेंट नज़र आ रहा है, राज दरबार के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, और सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है शासक के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में, कि शासक ये मान रहा है कि वेलुथम्पी दलावा एक अच्छी पोजीशन लेकर के बैठ गया है, और वो कहीं ना कहीं शासक को ही बाईपास कर रहा है, और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के आने वाले समय में शासक ही ख़त्म कर दिया जाएगा। तो शासक त्रावणकोर का रूलर पहले ही अंग्रेज़ों के साथ सेटिंग कर रहा है कि वेलुथम्पी को ही ख़त्म किया जाए, ऐसा वेलुथम्पी को खबर मिलती है शासक की पत्नी के द्वारा, ऐसा किताबों में लिखा गया है। और ऐसे में वेलुथम्पी को ये दिखता है कि जिनके ऊपर मैं खुद को बैंक करता हूँ, जिनके ऊपर मैंने खुद को टिका रखा है, वो अंग्रेज़ धोखेबाज निकले, तो मुझे ख़त्म करने की साजिश चल रही है, एकदम से पैसा मांगना इनका, जबकि मैंने इन्हें कहा है कि ये टर्म्स मैं सक्सेसफुल करूँगा, लेकिन मुझे आप थोड़ा सेटलमेंट होने का टाइम दीजिए, टाइम नहीं दिया जा रहा, एक फाइनेंशियल, एक एग्रीकल्चरल, एक राज दरबार में पॉलिटिकल, मेरे अगेंस्ट एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा थम्पी को दिखने लगा। तो वेलुथम्पी ने एकदम से स्टांस चेंज किया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जाने का निर्णय लिया। अंग्रेज़ों के द्वारा अपने जो बढ़े हुए शेयर है रेवेन्यू में, बढ़ा हुआ शेयर रेजिडेंसी की कॉस्ट के तौर पर और आर्मी की पेमेंट के तौर पर मांगना शुरू किया, वेलुथम्पी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाने लगा, मना किया जाने लगा। लगातार अंग्रेज़ों के द्वारा लेटर भेजे जाते रहे, वेलुथम्पी उन चीज़ों को डिनाई करता रहा, और फाइनली सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई 1809 में कि दोनों के बीच में युद्ध के माहौल क्रिएट हो गया, क्योंकि वेलुथम्पी के द्वारा अंग्रेजी अफसरों के द्वारा जो मैसेंजर भेजे गए थे उनमें से एक मैसेंजर को मार दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। ऐसे में सिचुएशन वॉर तक एस्केलेट हो गई, और जब सिचुएशन वॉर तक एस्केलेट हुई, वेलुथम्पी के पास जो पहले की हुई गलतियाँ, सेना है लेकिन उसमें खुद का कॉम्पोनेंट बहुत रिड्यूस हो रखा है, ब्रिटिश कॉम्पोनेंट बहुत ज़्यादा है, वेलुथम्पी के द्वारा मूव किया गया उस जगह से, कोची की तरफ जाया गया, वहाँ पर जा करके अपने साथ लोगों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की, सेगमेंट मोबिलाइज भी हुए, ज़मींदारों को साथ लिया गया, पीजेंट्स को साथ लिया गया, कुछ ट्राइब्स को साथ लिया गया, ये सारे लोगों को मोबिलाइज़ कराया गया, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट किया, इसे कुंदरा प्रोक्लेमेशन कहते हैं, कुंदरा नाम की जगह पे जाकर के एक उद्घोषणा की, जिसमें धर्म का रंग दिया गया इस पूरे युद्ध को, और वेलुथम्पी ने वहाँ पर ये प्रयास किया कि दे आर आउटसाइडर, दे आर क्रिश्चियंस एंड वी आर लोकल्स, वी आर इंडियंस।